ये होंडा अमेज है, 2019 मॉडल है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकेश सिंह, आई एम द डायरेक्टर ऑफ कार एनर्जी कंपनी। वी आर लोकेटेड इन पश्चिम बिहार एंड स्वन पार्क मुंडका। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स, सिंस 1998। फ्रेंड्स, मैं आपको आज दिखाना चाह रहा हूँ एक होंडा अमेज है। इसके अंदर हमने किट लगाई है और गैस्ट्रिक इटली, ये गैस्ट्रिक इटली का रिड्यूसर है। गैस्ट्रिक इटली होंडा के लिए बहुत ज़बरदस्त किट है। ये आपका डबल स्टेज रिड्यूसर है, जेन्युइन रिड्यूसर है। इसके अंदर आपका पीछे से जो प्रेशर, हाई प्रेशर गैस आती है, उसको रिड्यूस करके जितनी गैस जानी चाहिए उसी प्रोपोर्शन में ये गैस भेजती है। ये मैप सेंसर है, ये गैस की फ्लो को कंट्रोल करती है। और ये इंजेक्टर है गैस्ट्रिक का, बहुत ज़बरदस्त हाई राइज के नाम से इंजेक्टर आता है, बहुत बढ़िया इंजेक्टर है। ये इंजेक्टर ये गैस को फाइनल फ्लो देती है मल्टीपल सिलेंडर्स में। ये देखिए, चार सिलेंडर की गाड़ी है, इसमें चार पाइप्स लगे हुए हैं। ये चारों पाइप्स जो है ये प्रॉपर सारे मैनिफोल्ड में लगे हुए हैं और सारे क्लैंप है, ऊपर भी क्लैंप है, नीचे भी क्लैंप है, पूरी प्रॉपर फिट है। आप कहीं भी देखिए सब जगह क्लैंपिंग है, एक एक जगह, हर एक जगह आप देखेंगे इसकी फिटिंग में सब जगह आपको क्लैंपिंग मिलेगा। मोटोजेन का ये ECU है, ये 48 पिन का ECU है। मैं बार बार कहता हूँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैं मोटोजेन का जो ECU है, गैस्टेक का जो ECU है, ये आपका जो है 48 पिन का है। और गैस्टेक का ECU बहुत कंपैटिबल है आपकी टर्बो इंजन गाड़ी के लिए, VS6 गाड़ी के लिए, होंडा की गाड़ी के लिए, मतलब इन सब गाड़ियों के लिए बहुत कंपैटिबल है। टाटा की गाड़ी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मतलब एक बार लगा दो आप भूल जाओ, सालों साल गाड़ी नहीं आती, इतनी बढ़िया इसकी सेटिंग है। देखो ECU क्या है, ब्रेन है, ये सारा कुछ कंट्रोल करती है आपका, इस गाड़ी के पिकअप कितना होना चाहिए सब कुछ कंट्रोल करती है, बिल्कुल पेट्रोल से। इसके अंदर आपका जो है एवरेज सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल है, मतलब जितनी बढ़िया ECU होगी, जितना बढ़िया ये सॉफ्टवेयर होगा, उतना बढ़िया एवरेज होगी, उतना बढ़िया पिकअप होगा। और फिर ये स्टार्टिंग सारा कंट्रोल करती है, मतलब एक हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है। तो कुल मिला के ये एक इसका एडवांसर है। अभी हम फिट करेंगे, इसकी मैनुअल सेटिंग होती है, हमारा टेक्नीशियन इसको सेटिंग कर रहा है। एडवांसर का क्या काम है, गाड़ी की पिकअप बिल्कुल पेट्रोल जैसी रखती है, मतलब पता नहीं लगता कि गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है या CNG पे। ये पहली वाली किट नहीं है, लोगों को मिथ है कि पहले की किट में हाँ पिकअप थोड़ी कम होती थी, लेकिन ये जो किट है ये मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन किट है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसके अंदर पिकअप में कोई ड्रॉप नहीं है, बिल्कुल पेट्रोल जैसी पिकअप है। और एवरेज मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो एवरेज आती है नॉर्मली 1 किलो गैस 42.70 रुपीज़ का है, इसके अंदर 18 से 20 किलोमीटर की एवरेज आती है, लगभग 2.25 रुपये किलोमीटर लोकल विथ AC। अगर हम इसी को हाईवे पे चलाते हैं तो ये लगभग 1 किलो में 28-30 किलोमीटर की एवरेज देती है। 1200 cc का इंजन है, एवरेज बहुत अच्छी है, पेट्रोल पे भी अच्छी है और CNG पे उसका सीधा 1.5 गुना है। इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या है, 1 kg गैस इज इक्वल टू 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब 1 किलो गैस क्या है, 42.70 रुपीज़ का है, और आपका 1.5 लीटर पेट्रोल लगभग 122-125 रुपये का है। तो इसका जो खर्च है सीधा 1/3 है रनिंग कॉस्ट, मतलब आप अगर पेट्रोल पे 1 रुपये खर्च करते हैं तो उतनी डिस्टेंस चलाने के लिए आपको इसमें कम से कम 33 पैसे खर्च करना पड़ेगा, सीधा 1/3 है। अब मैं इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त बूट स्पेस है इसका, जगह बहुत है। इसमें देखिए मैंने 14 kg का सिलेंडर लगाया है और ये आप देखिए पूरा जगह है, पूरा आप यहाँ आराम से पूरा लगेज, मतलब पूरा, और देखिए कितना नीटली इंस्टॉल्ड हुआ है, मतलब आपको लग ही नहीं रहा है कि कुछ है, प्रॉपर इंस्टॉल्ड ईच एंड एवरीथिंग। ये सिलेंडर का वाल्व है, इसके अंदर ऑन ऑफ का सिस्टम है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब सारा कुछ प्रॉपर इंस्टॉल्ड है दोस्तों।
मैं आगे दिखाता हूँ एक बार और फिटिंग इसका। फिटिंग जबरदस्त है, जबरदस्त फिटिंग। ये इसकी स्विच है, ये अभी सीएनजी पे है, कैलिब्रेशन हो रही है। हमारे टेक्नीशियन मिस्टर योगेश जी कैलिब्रेशन कर रहे हैं। ये कैलिब्रेट होने के बाद फिर इसकी पिकअप, इसकी सारे कुछ ये चेक करेंगे। अगर कोई कमी पेशी होगी तो वही कंप्यूटर से ही सेट होंगे और बिल्कुल पेट्रोल जैसी गाड़ी चलेगी। तो दोस्तों, ये हमारा वर्कशॉप है, हमारी 22 साल पुराना काम है, पश्चिम बिहार में अपना ऑफिस है और स्वर्ण पर्वत मुंडका में वर्कशॉप है। किट दोनों जगह लगाते हैं। और अब शाम का जो है ये करीबन 5:30 बज रहे हैं। हमने ये और दो गाड़ी और है, ये 10वीं गाड़ी है हम लगा रहे हैं और दो गाड़ी और है, 12 गाड़ी की फिटिंग है। ऑन एन एवरेज 8-10 गाड़ियाँ लगती रहती हैं और बढ़िया फिटिंग, बढ़िया सेटिंग विद एक्सपीरियंस हैंड। आई हैव 12 स्टाफ विथ मी, 12 स्टाफ। उसमें से मैं बता दूं, उसमें से 8 स्टाफ ऐसे हैं जो 20-22 साल पुराने हैं। तो लड़के सारे एक्सपर्ट हैं एंड आई अश्योर यू वी विल डिलीवर व्हाट वी हैव प्रॉमिस। बहुत बढ़िया फिटिंग होगी, सेटिंग होगी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और सबको सेटिस्फाई करके भेजते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आगे भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और शेयर जरूर करें, मैक्सिमम आपके जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, उनको शेयर करें। जिनको अगर सीएनजी का नॉलेज चाहिए उनको शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें प्लीज़। थैंक यू।